यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और हिमाचल ने केंद्र सरकार से राज्य में लंबित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 343 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीएम ने देश भर में कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल 99 परियोजनाओं में हिमाचल को शामिल करने की वकालत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सिंचाई स्कीम के तहत हिमाचल के 2 प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे, लेकिन इन्हें अभी तक बजट से जारी नहीं किया गया है। सीएम ने मध्यम सिंचाई योजना नादौन के लिए 156 करोड़ तथा कांगड़ा जिला के फिनासिक सिंचाई योजना के लिए 204 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करने का केंद्र से आग्रह किया। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो सिंचाई योजना है अब उनको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हिमाचल सरकार अपने पूरे रूप से प्रतिबद्ध दिख रही है, क्योंकि हिमाचल में सिंचाई की काफी ज्यादा जरूरत होती है। पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर सिंचाई डैम से ज्यादातर की जाती है, और जिसके चलते अब इन योजनाओं को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से लागू करने का सरकार मन बना रही है, ताकि जो सिंचाई की समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है वो खड़ी ना हो। और सिंचाई में मदद मांगी गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि हिमाचल में सिंचाई को लेकर बहुत से ऐसे डैम हैं जहां पर अभी वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को सिंचाई में मदद नहीं मिल पाती है।